अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मसन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर से अगर हम लोग बात करें उसके अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.7 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास टॉपिक आता है स्लोप का, हमारे पास टॉपिक आता है टेंजेंट लाइन का, नॉर्मल लाइन का। स्लोप को जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं, इस चैप्टर नंबर 3 की प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं, उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ और यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कैलकुलस को सीख रहे हैं या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ते दौरान उनके आगे ये प्रॉब्लम आ गई कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन क्या होती है, इनकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इनकी इक्वेशन कौन सी होती है और कैसे फाइंड करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको ग्राफ पे कैसे ड्रा करते हैं, सारी की सारी चीजें मैं आपको इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में यही हम लोग पढ़ेंगे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन होती क्या है, ये कहाँ पे लाई करती है और इसकी इक्वेशन क्या होती है, सारी मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को प्रेस कर, तक नेक्स्ट मैं जब भी वीडियो लेके आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखें जी, सबसे पहले हम लोग देखें, मैं लेक्चर को ज्यादा लेंथी नहीं करने जा रहा, मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही थोड़े से टाइम में, उसी टाइम में लेक्चर को कवर करूंगा। सबसे पहले बेसिकली देखें जी, हमारे पास सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टेंजेंट लाइन क्या होती है और आप हमारे पास नॉर्मल लाइन क्या होती है वो समझेंगे यहाँ पे ग्राफ के ऊपर। उसके बाद हम लोग इसकी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और हमारे पास लेक्चर का एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.7 के नेक्स्ट हमारे पास 31 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर हम लोग इसी नॉर्मल लाइन को, इसकी टेंजेंट लाइन को, स्लोप को सारा का सारा डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इसको समझने के अलावा इसकी एग्जाम्पल्स भी देखना चाहते हैं तो आप लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हमारे पास एक कर्व है, कोई भी हमारे पास यहाँ पे एक कर्व है, ये जी ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है जी। कहते थे यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लें आप, ये हमारे पास पॉइंट है, तो इसके ऊपर इसको मैं बताता हूँ आपको टेंजेंट लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंजेंट लाइन क्या होती है। देखिए कोई भी हमारे पास कर्व है, ये हमारे पास कर्व है, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट को, वो लाइन जो किसी भी कर्व को, वो लाइन जो किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके गुजरे, छू के गुजरे, वो होती है आपके पास टेंजेंट लाइन। अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ग्राफ था, ये हमारे पास कर्व थी, तो ये एक लाइन है, ये क्योंकि इस ग्राफ को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ही टच करके गुजर रही है, इसका मतलब है जी आप लोग कह सकते हैं कि ये है जी आपके पास टेंजेंट लाइन, इसको आप लोगों ने टेंजेंट लाइन कह देना। अब हम लोग बात करते हैं जी नॉर्मल लाइन कौन सी होती है। नॉर्मल लाइन वो होती है जो टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन देखें, टेंजेंट लाइन कर्व को जिस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का जाविया बनाती है, वो लाइन, वो वाली लाइन नॉर्मल लाइन कहलाती है। जो टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पे ग्राफ को टच करती है उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का जाविया बनाती है। इस तरह से फर्स्ट के लिए मैं यहां पे लाइन ड्रा करता हूं, ये मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, ये मैंने परपेंडिकुलर इनके अमूद, यानी कि सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन जो 90 डिग्री का जाविया बनाती है। मैंने क्या किया, ये एक लाइन ली, इसके ऊपर इसी पॉइंट के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया, यहां पे ये कौन सा जाविया बना रही है 90 डिग्री का, क्योंकि सीधी लाइन है, अमूद है, परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री का जाविया बना रही है। तो मैंने क्या किया जी, वो वाली लाइन जो टेंजेंट लाइन के ऊपर 90 डिग्री का जाविया बनाए, परपेंडिकुलर हो, वो आपके पास होती है नॉर्मल लाइन। यही था शॉर्ट सा डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सिंपल वर्ड में आपको बताया, आपको समझ आ गई होगी कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन क्या होती है। नॉर्मल लाइन वो होती है जो टेंजेंट लाइन के उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो ग्राफ को टच करके गुजरता है उस पे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का जाविया बनाती है। और टेंजेंट लाइन वो होती है जो किसी भी कर्व को, किसी भी ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके गुजरे। लेट्स सपोज कि यहां पे मैं एक ग्राफ बना देता हूं जी, ये तो फर्ज किया कि ये एक लाइन इसको ग्राफ को इस तरह गुजर, छू के गुजरी है ये इस पॉइंट पे, तो ये आपके पास हो गई जो सीधी गुजरी है, एक पॉइंट पे टच करके गुजरी, वो आपके पास टेंजेंट लाइन। और ये जो इस यहाँ परपेंडिकुलर है, ये है जी जो 90 डिग्री का जाविया बना रही है, ये होती है जी आपके पास नॉर्मल लाइन। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, लिख लेते हैं जी आपके पास है जी इक्वेशन
ऑफ टेंजेंट लाइन। ये हम बहुत से क्वेश्चन में इसको फाइंड भी करते हैं, हम लोग इसकी इक्वेशन को यूज भी करते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी एफएससी में, बहुत सी प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग टेंजेंट लाइन कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला आपके पास, वाई माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको आप लोग जो है ना वो पॉइंट स्लोप फार्मूला भी कहते हैं। पॉइंट स्लोप फार्मूला क्यों कहते हैं, ये जो आपके पास एम है इसको आप लोग स्लोप कहते हैं, ये आपके पास स्लोप है, ये आपके पास एक्स वन और वाई वन, जो आपके पास x1 और जो आपके पास y1 है, ये बेसिकली आपके पास पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर टेंजेंट लाइन आप लोगों ने ड्रा की है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम में दिए होते हैं, ये पॉइंट्स भी दिए होते हैं, और आपने जो ना वो इन पॉइंट्स को यूज करके इसमें पुट करके इसके अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपने फाइंड करनी होती है। ठीक है, ये एम आपके पास स्लोप है, ये y1 और ये x1 आपके पास दरअसल पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें पुट करके आपने फाइंड करना होता है। ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आपको सारी की सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। अब ये थी हमारे पास जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इन दोनों की इक्वेशन में दरअसल डिफरेंस क्या है, वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन होती है जी y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू माइनस वन ओवर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टी में ये कहती है कि जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप जो होती है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। अब देखिये, यहां पर एक टेंजेंट लाइन थी, एक नॉर्मल लाइन थी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन इसके ऊपर टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का जाविया बना रही है। तो ये प्रॉपर्टी है कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, उनकी जो स्लोप्स होती हैं, इनके उनकी जो एम होता है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। अगर यहाँ पे टेंजेंट लाइन का स्लोप एम है तो फिर ऑब्वियसली नॉर्मल लाइन की स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस वन ओवर एम। माइनस में भी कर दिया, उल्टा भी दिया, इसको कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसकी स्लोप आपके पास ये होगी, ठीक है जी, माइनस वन ओवर एम। ये है जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, यही आपके पास यहाँ पे भी एक्स वन और वाई वन आपके पास पॉइंट्स है, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास पॉइंट्स है। यही दो इक्वेशंस को हम लोग यूज करते हैं, यूज करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के अंदर, जो हम लोग एक्सरसाइज 3.7 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से ऑनवर्ड। उसके अंदर हम लोग पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे उन इक्वेशंस का, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके हम लोग सबसे पहले इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसकी टेंजेंट लाइन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालेंगे। सारा का सारा लेक्चर ये बेसिक चीजें थी जो मैं समझ रहा था कि आपको बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उस लेक्चर को लेने से पहले। इसके अलावा मैं डिफरेंट वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ लेक्चर थॉमस कल्वर्स के हवाले से, हमारी एक सीरीज चल रही चैप्टर 3 के हवाले से, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एंड पे सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपने क्लास में इसको लाजमी शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पहुंच सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।